बर्फी जी, कभी नीलू के साथ कोई हादसा हुआ है या उसे कभी किसी तरह का कोई सदमा लगा है? खबरदार, जो इस बारे में तूने कभी भी किसी को भी कुछ कहा तो किसी को भी अपने आप को भी कभी कुछ चड़क बोलेगी तो इस बारे में, अरे माथे पे जो कड़क लगा है ना तुझे अकेले ढोना होगा। और अगर तूने इस बारे में कभी भी किसी को भी कुछ कहा तो अपने साथ साथ मरने भी कुएं में डूबने पे मजबूर करेगी तू, समझ रही है क्या कह रही हूं मैं? पाप से कुछ ना किया, थोड़े भी किया है कि तू अपनी इज्जत बचा ना पाए, जो कलंक लगा रहता रे माथे पे इसको तुझे अकेले ही ढोना होगा। चुप रहकर पूजा पाठ करके अपने अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, समझ रही है? समझ रही है ना? चुप। बर्फी जी, बर्फी जी बताइए ना, क्या नीलू के साथ कभी कोई हादसा हुआ था? आप तो बस मने इतना बताओ कि जो समस्या हमारी बेटी को है उससे वो ठीक होगी कि ना होगी, बस इतना बता दो आप मने। माफ कीजिए बर्फी जी, ये कोई मामूली सर दर्द या पेट खराब होने जैसी प्रॉब्लम नहीं है कि दवा का दो डोज दिया और प्रॉब्लम ठीक हो गई। इसका इलाज लंबा चलेगा और सबसे पहले मुझे नीलू से मिलना पड़ेगा, मुझे ये समझना होगा कि वो इस ट्रीटमेंट का कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। मतलब नीलू को लाना पड़ेगा? बर्फी जी, हम तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं ना, और आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि नीलू को कभी पता ना चल पाए कि वो दोहरे व्यक्तित्व का शिकार है। ये सब जानकर वो कैसे रिएक्ट करेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है।